ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा चमत्कारी मोहिनी यंत्र जो कि कुछ ही दिनों में आपका जो भी साथी हो, आपकी कोई भी प्रेमिका हो, प्रेमी हो, उसको आपके समीप लाने में सहायक हो सकता है। ये एक ऐसा यंत्र है जिसको कि मैंने लगभग 20-25 साल पहले इस्तेमाल में लाना शुरू किया था और उसके बाद जिसको मैंने ये दिया, इस यंत्र ने अपना काम बखूबी किया है। इतना प्रभावी, इतना शीघ्र अतिशीघ्र काम करने वाला यंत्र शायद ही कोई आपको दे पाए। ये काली का यंत्र है और माँ काली अपने भक्तों की मुराद बहुत ही जल्द पूरी करती हैं और इतना सटीक लगने वाला यंत्र है जो कि किसी को भी क्षण भर में आपसे वशीभूत कर दे। ये मैंने 20-25 साल पहले अपने एक शिष्य को दिया था और जब वो साधनाएं कर रहा था तो उसमें उसने पाया कि इस यंत्र ने सिर्फ एक हफ्ते के भीतर ही उसके जो कार्य थे, जो रुके हुए कार्य थे, वो बनाने शुरू कर दिए। सिर्फ ये किसी को आकर्षित नहीं करेगा बल्कि आपके जीवन में जितनी भी दुविधाएं होंगी उन सबको दूर कर देगा। जैसी आपकी मंशा होगी ठीक उसी प्रकार से ये यंत्र काम करेगा। इस यंत्र को बनाने की अपनी ही विधि है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि होली दिवाली में जो है नक्षत्र नहीं देखा जाता, उस समय आप कोई भी यंत्र निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिनमें कि मुहूर्त देखा जाता है, समय देखा जाता है और ये सब देखा जाता है, लेकिन ये जो यंत्र है ये स्वयं सिद्ध है। इसको यदि कुछ थोड़ी सी सावधानियों के साथ आप बना देते हैं तो ये यंत्र पहले ही दिन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है और जो भी अमुक व्यक्ति है उसको आपकी ओर खींच कर ले आएगा। इतना प्रभावी यंत्र शायद ही कोई हो और ये पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है। जो भी जिज्ञासु, जो भी साधक चाहते हैं इसकी शक्ति का परीक्षण करना, तो जिस भली प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ उसी प्रकार से इसका निर्माण करें। और कई बुद्धिजीवी भी मेरे पास आते हैं जो कि मदिरा का पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे यंत्र मंत्र चल नहीं रहे हैं। तो देखिए, ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आपको जितना सरल लगता है, जितनी सरल भाषा में यहाँ पे आपको जानकारी मिलती है, आप सोचते हैं कि इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन इसको करने के लिए भी नियम होते हैं। यदि आपके भीतर वो सामर्थ्य नहीं है, आपके भीतर वो चेतना नहीं है किस तरह से चीज़ों को किया जाता है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। कई हताश भी हो जाते हैं, फिर मुझे आकर समझाते हैं कि गुरु जी नहीं हो रहा, तो वो नहीं होगा, लेकिन जो करने वाले हैं वो कर जाते हैं। तो ये यंत्र मैं उनके लिए बना रहा हूँ, उनके लिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है जो कि करने में विश्वास रखते हैं। यदि कहीं पर भी त्रुटि होती है तो ये यंत्र काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपकी जो दिनचर्या है, आप क्या आहार लेते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं और फिर इन यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो ये चीज़ें काम नहीं करेंगी। आपके हृदय में दया होनी चाहिए, आपके भीतर वो सामर्थ्य होना चाहिए कि आप अपनी भूख पर विजय प्राप्त कर सकें। जब तक आप अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं करेंगे तब तक भूल जाइए कि आप कोई यंत्र सिद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी भूख पर विजय प्राप्त करें, सात्विक रहें, आहार कंदमूल, फल फूल ये सब खाएं, ना कि मांस मदिरा का सेवन करें। जब बिल्कुल सात्विक हो जाएं, उस दिन के बाद से इस यंत्र के बारे में सोचें। सात्विक होने के बाद आपको तीन शुक्रवार आपको इस यंत्र को बनाना है।
ये जो यंत्र अभी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इस यंत्र को आपको रोली से बनाना, जिसे सिंदूर भी कहते हैं, तो आप सिंदूर से बना लीजिए, हल्दी से बना लीजिए, और जो कलम रहेगी वो रहेगी अनार के पेड़ की। इस यंत्र को भली प्रकार से बनाकर सबसे पहले इसका जो बाहर का जो मंडप बना हुआ है उसको बनाएं, और उसके भीतर जो है एक त्रिभुज बनाएं, एक उल्टा त्रिभुज और एक सीधा त्रिभुज, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर आपको खाने दिखेंगे उनमें ह्रीम लिख दें, और जो बीच का सबसे बड़ा दो त्रिभुज जहाँ पर मिल रहे होंगे उसमें लिख दें अमुक। इस अमुक की जगह पर आपको उस साध्य व्यक्ति का नाम लेना है जो भी, जिसको भी आप अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। अपने साथी का नाम यहाँ पर लिखकर आपको 21 बार नवाण मंत्र का जाप करना है। यदि किसी को ना पता हो नवाण मंत्र किसे कहते हैं, तो वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप करें और यंत्र राज से प्रार्थना करें। जब आप 21 बार इस मंत्र का जाप कर लें, फिर जो भी आपने यंत्र निर्माण किया था उसको अपनी आंखों पर लगाएं और अपने हथेली पर रखकर इससे जो भी आप चाहते हैं वो मांगिए। और इस यंत्र को किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ाएं। ये 3 शुक्रवार आपको करना है। 3 शुक्रवार यदि आप इसे कर देते हैं भली प्रकार से, कोई भी दिन नागा किए बिना, तो ये जो यंत्र है ये चैतन्य हो जाता है और आपकी जो इच्छा होती है उसको परमेश्वर तक पहुंचाया जाता है। और इसके बाद ये छोटी सी क्रिया एक ऐसा चमत्कार करेगी जिसके बारे में कि आपने सोचा भी नहीं होगा। ये इतना चमत्कारी है कि हो सकता है कि पहले ही दिन से आपको उसका कॉल आ जाए या फिर वो खुद ही आकर खड़ा हो जाए। ये उन माताओं बहनों के लिए है जिनके के पति शराब पीते हैं, गाली गलौज करते हैं, किसी भी अपने पति पर, ऐसे बिगड़ायल पति पर नकेल डालने के लिए इस यंत्र को बनाया जा सकता है, इसको प्रयोग में लाया जा सकता है। कई ऐसे भी मंदबुद्धि होते हैं जो कि मेरी इन साधनाओं का दुरुपयोग करते हैं, तो यदि आप भी कुबुद्धि को प्राप्त हैं, मातेश्वर की कृपा आप पर नहीं है, तो इन चीज़ों को मत कीजिएगा। सिर्फ वही करें जो कि वास्तव में इस ज्ञान को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और इस यंत्र को कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए प्रयोग में ना लाएं। मैं देखता हूं कि जहां पर भी मैं जाता हूं तो जितने भी चौराहे हैं वहां पर उतारा रखा होता है। अब उतारा क्या होता है कि अपनी समस्या किसी और को दे देना, अपनी कोई भी बीमारी हो उसको उतार कर चौराहे पर रख देना, ताकि आने जाने वाला जो भी उससे इंटरेक्ट करेगा, जो भी उसको तोड़ेगा या फिर जो भी संपर्क में आएगा उस पर वो चीज़ लग जाए। तो ये चीज़ें कहाँ तक, मतलब कहाँ तक उचित हैं कि आप अपने लिए एक सुनहरा रास्ता बना रहे हैं और बीच में ही आपने गड्ढा कर दिया, तो जो ऐसा करता है वो उसी गड्ढे में गिरता है। ऐसा कभी ना कीजिएगा, कतई ना कीजिएगा, और इन यंत्रों को, इन सिद्धियों को हमेशा जन कल्याण के लिए ही प्रयोग में लाना चाहिए। कभी भी किसी का अनिष्ट करने के लिए इन तंत्रों का प्रयोग ना करें। तंत्र हमेशा तभी काम करते हैं जब मन जो है वो स्वच्छ हो और आपके भीतर जो है जन कल्याण की भावना हो। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो तंत्र आज हम बना रहे हैं ये वाइट मैजिक में आता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी का भी नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसमें जो है हम अपने साथी को, अपने किसी भी पतिदेव को, अपनी किसी पत्नी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो इसमें इसको वाइट मैजिक कहा जाता है। लेकिन जब इसका प्रयोग अनुचित कार्यों के लिए होता है तो ये ब्लैक मैजिक बन जाता है। तो कभी भी इसका प्रयोग तब ना करें जब किसी को नुकसान पहुंचाना हो, वरना इसका जो परिणाम है वो भयंकर हो सकता है। यदि मन में सच्चा प्रेम हो और आप चाहते हैं किसी को आकर्षित करना, तो आँख मूंद के कीजिएगा, ये काम करेगा। कहीं पर कोई त्रुटि हुई हो, कुछ डायग्राम समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com।
आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 999-284-1625 पर। धन्यवाद।